Hey, so what's up guys, welcome to Technical Arts YouTube channel। तो दोस्तों आज है लास्ट डे रिचार्ज करने का, क्योंकि आज है 30 नवंबर और कल है 1 दिसंबर। तो गाइज कल से आप सभी ने सुना होगा कि 1 दिसंबर से सभी कंपनियों के जो प्लान्स है वो महंगे हो जाएंगे। अब जहां पर आप पहले रिचार्ज करवाते थे 20 रुपए का, 30 रुपए का, 400 रुपए का, 500 रुपए का, तो अब उसकी जगह पर आपको हो सकता है कि उससे 20% या फिर 30% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाए। तो आज अगर आपको रिचार्ज करना है तो अभी भी आप कोई भी रिचार्ज करवा सकते हो, नहीं तो कल से रिचार्ज महंगे हो जाएंगे। अब दोस्तों आज के जो वीडियो का मेन मोटिव होगा आपको बताने का कि जो ये रिचार्ज है महंगे हो रहे हैं, अब किस किस कंपनी के महंगे होंगे और किस बेस पर इनको क्यों महंगा किया जा रहा है, तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इसको लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सभी जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में। तो दोस्तों ये वीडियो ये नहीं है कि ओनली जियो यूजर्स के लिए, अगर आप किसी भी कंपनी का सिम यूज करते हो, एयरटेल, वोडाफोन, किसी भी कंपनी का, तो ये वीडियो सभी के लिए है। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको हर रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी बकवास के। अब दोस्तों ये स्टार्ट कहाँ से होता है, अब आप सभी को पता है कि जियो से पहले जो सभी कंपनियां थी, सभी का जो काम था, सभी का ठीक चल रहा था, सभी को अच्छी खासी इनकम हो रही थी। लेकिन दोस्तों उनको तो इनकम हो रही थी, जो हम जैसे थे जो रिचार्ज करवाते थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो एक कंपनी है इनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये सभी प्रॉफिट हमसे होता था, क्योंकि दोस्तों अब आप देख सकते हो, एक बात सोच के देखो आप, जो आइडिया, जो वोडाफोन, एयरटेल थी, जिनके रिचार्ज 256 में आपको 1 GB नेट मिलता था 28 दिन के लिए, 256 में 1 GB, और अब जियो के आने के बाद वही नेट आपको 149 रुपए में आपको डेली 1 GB और 28 दिन के लिए मिलता है। अब देखो जो जियो ने आपके जो आपका रेट है, जो प्राइस है रिचार्ज का, कितना ज्यादा कम कर दिया। अब इससे पहले जो आइडिया और इनको प्रॉफिट होता था, लेकिन जियो को देखकर इन कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज वगैरह से भी कुछ कम कर दिए। अब ये रिचार्ज कम करने का इनका मेन मोटिव क्या था, क्योंकि जो जियो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चली गई थी, बहुत ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हो गए, थोड़ा अभी भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर जियो के हैं इन सभी कंपनियों से। अब दोस्तों जो इनके टैरिफ प्लान है उनमें कटौती बढ़ोतरी होती रहती है, कोई कम कर देता है, कोई बहुत ज्यादा महंगे कर देता है। अब इस बेस पर ट्राई ने क्या बोला कि जो ये कंपनी है जियो, एयरटेल, वोडाफोन, सभी आपस में एक तरह से आप बोल सकते हो कोई वीडियो बना के डालता है यूट्यूब पर कि ये सिम अच्छी है या फिर ये सिम अच्छी है, इसने ये ऑफर दिया, इसने ये ऑफर दिया, तो ये सभी एक झगड़े की वजह बन जाती है। अब जो इंडिया में इसका गलत असर हमें देखने को मिलता है, तो ट्राई ने बोला कि आप सभी अपने जो रिचार्जेस हैं, जो भी आपके टैरिफ प्लान्स हैं, इन सभी को एक जगह पर कर दो कि इस प्लान का यही रेट होना चाहिए और हर सिम में उस प्लान का वही रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ज्यादा कहीं कम होता है तो वहां पर झगड़े का काम हो जाता है। तो इस बेस पर ट्राई ने बोला, लेकिन किसी भी कंपनी ने किसी पर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद ट्राई ने क्या डिसीजन लिया, सभी को बोला, कंपनी वालों को, अगर आप नहीं करते हो प्लान्स को ऐसे तो हम खुद आपके लिए प्लान्स के रेट देंगे, आपको इस प्लान का वही रेट फिर रखना पड़ेगा। अब इसके बाद सभी कंपनी क्या सोच रही है, अगर ट्राई उनको कोई रेट देता है तो हो सकता है कि कंपनियों के लिए वो रेट अच्छा ना हो और लॉस में चला जाए, तो इसलिए सभी कंपनियां बोल रही हैं कि हम अपने प्लान्स को खुद ही एक रेट पर रख देंगे। जैसे कि जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, जो सभी सिम के रेट है, सभी का जो प्राइस है बिल्कुल आपको एक तरह का देखने को मिल जाएगा, किसी का ज्यादा कम देखने को नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, कल 1 दिसंबर से हो सकता है आपको जियो का भी प्लान बढ़ता हुआ मिल जाए। अब दोस्तों जो आइडिया है, एयरटेल, वोडाफोन, इनके तो प्लान्स आपको बढ़े हुए मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जियो के भी आपको प्लान्स बढ़ते हुए मिल सकते हैं। अब गाइस अब इन कंपनियों की तो बात है अलग। अब BSNL है एक सरकारी कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, अब ये कंपनी भी अपने रेट्स को इंक्रीज करने वाली है कल वाले टाइम पर। अब दोस्तों कल मैं आपको बताऊंगा कि किस कंपनी का कितना ज्यादा प्लान इंक्रीज हुआ है, तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताना, अगर प्लान इंक्रीज होता है तो क्या मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप कमेंट करके बताते हो तो मैं कल ही, अगर कोई भी न्यू प्लान आता है, किसी का प्लान जो इंक्रीज हो जाता है, तो उस पर आपको तुरंत वीडियो बना के मैं दे दूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके अपनी ओपिनियन शेयर जरूर करना। तो बस दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो, मैं हर्ष, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।